अगर लोग आपको इग्नोर करते हैं, आपकी बातों पर ध्यान नहीं देते, आपकी वैल्यू नहीं करते, आपकी रेस्पेक्ट नहीं करते, क्या कुछ वो ऐसी गलतियां हैं जो आप कर रहे हैं? अगर आपके सामने भी ये समस्याएं आ रही हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। अगर इस वीडियो को आपने ध्यान से देख लिया और जो बातें इसमें बताई गई हैं अगर उनको आपने अपने जीवन में उतार लिया तो लोग आपको झुककर सलाम करने लगेंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि लोग आपकी रेस्पेक्ट करें, आपका सम्मान करें, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। पहली जो बात है, लोगों को ना करना सीखो। अगर आप सामने वाले को खुश करने के लिए उसकी हाँ में हाँ करते रहते हो तो लोग आपको हल्के में लेना शुरू कर देते हैं। अगर आप किसी को ना नहीं कह पाते तो इस आदत को बदलो। अगर आप उनको ना नहीं कह पाते हो तो ऐसा भी नहीं है कि दूसरों को खुश करने के चक्कर में आप खुश रह पाओ। दूसरी बात, हर समय हर किसी के लिए अवेलेबल मत रहो। आपका समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे अगर आप किसी को अपना समय दे रहे हो तो आपके समय के बदले में आपको समय की कीमत मिलनी चाहिए, जैसे नेम, फेम या पैसा। क्योंकि जब लोगों को आपके समय की कीमत का पता चलेगा तो लोग आपको इम्पोर्टेंस देना शुरू कर देंगे। तीसरी बात, आपकी जो कमियां हैं उनको जग जाहिर मत करो। आपके जो फेलियर हैं उनको हमेशा मत गिनाओ। अपनी कमियों पर काम करके उनको सुधारो, ना कि जग जाहिर करो। नंबर 4, हमेशा जरूरत के समय ही बोलो। अगर आप कम बोलोगे और बात को सोच समझकर जरूरत के समय ही बोलोगे तो लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे, इग्नोर नहीं करेंगे। नंबर 5, आपने सुना होगा रेस्पेक्ट योर सेल्फ, यानी कि खुद की रेस्पेक्ट करो। अपने आप पर काम करो और अपने काम की कद्र करो। जब आप खुद की कद्र करोगे तो लोग आपकी वैल्यू करेंगे। नंबर 6, बार बार माफी मांगना बंद करो। अपनी गलतियों को सुधारो ताकि आपको सॉरी बोलने का मौका ही ना पड़े, या कम से कम सॉरी बोलना पड़े, क्योंकि सॉरी बोलना समस्या का हल नहीं है। नंबर 7, चुप रहना एक गुण है, इसका सही इस्तेमाल करो। लेकिन हमेशा चुप रहना आपको भारी भी पड़ सकता है। ऐसा भी होता है, जहां बोलने का काम है वहां आप चुप रह जाते हो और जहां चुप रहने का काम है वहां आप बोल जाते हो। नंबर 8, अपनी समस्याएं और परेशानियां किसी के साथ भी शेयर ना करें, क्योंकि लोग बाग उसका सॉल्यूशन कम देते हैं और उसका फायदा ज्यादा उठाते हैं। नंबर 9, अगर आप कुछ नया करने की सोच रहे हैं और ये चिंता है आपको कि लोग क्या बोलेंगे, समाज क्या बोलेगा, लोग चाहे आपके काम की प्रशंसा करें या आपके काम की बुराई, आपको अपना काम नहीं छोड़ना है। नंबर 10, हमेशा समय के पाबंद रहो। ये बातें जो इस वीडियो में बताई गई हैं, अगर आप इन बातों को अपने जीवन में उतार लेते हो, इन पर अमल करते हो, तो लोग आपकी इज्जत करने लगेंगे, आपको इग्नोर नहीं करेंगे। जय हिंद, जय भारत।